स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो एडवोकेट एंजेल अवस्थी में आज की कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है, जहां हर किरदार की जिंदगी उलझती नजर आ रही है। एडवोकेट अंजलि को हर तरफ से घेरने की साजिशें रची जा रही है। गिनी के घर आना, नंदिनी के सवाल और युवराज की चाले अंजलि को हर कदम पर मुश्किल में डाल रही है। दूसरी तरफ युवराज ने अंजलि के लिए एक नई मुश्किल खड़ी की है, जिससे निकल पाना आसान नहीं होगा। अंजलि का भरोसा टूट चुका है और वो केस से पीछे हटने का मन बना रही है। लेकिन क्या पंकज और अमन अंजलि को इस जाल से बाहर निकाल पाएंगे? नंदिनी द्वारा अपनी माँ की बेइज्जती सुनकर अंजलि गुस्से में आ जाती है और फोन पर ही जवाब देती है कि वह अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकती। इंस्पेक्टर पंकज नए सबूत खोजते और पता करते कि उस दिन विद्युत कश्यप थाने में मौजूद नहीं था, जिससे साफ हो जाता है कि उसने झूठ बोला। युवराज अंजलि को जाल में फंसाने के लिए अपने लॉ फर्म के एक कर्मचारी के नाम से अंजलि तक बिजनेस कार्ड पहुंचाता है, क्योंकि वह जानता है कि अंजलि को पैसों की सख्त जरूरत है। गिनी बार बार यह समझाने की कोशिश करती है कि जो वेट्रेस ने कहा वह झूठे और अंजलि वहां नहीं आई थी। जिस दिन अंजलि लॉ फर्म में इंटरव्यू के लिए जाती है, वहां युवराज और चंद्रमान ठाकुर को देख वह तुरंत उनके प्लान को समझ जाती है। खुद को सुरक्षित करने के लिए वह वहां से निकलने की कोशिश करती है। आखिर क्या अंजलि युवराज के जाल से बाहर निकल पाएगी, या इस बार वह युवराज को उसकी सजा दिलवाने में कामयाब होगी? क्या अमन उसे इस मुश्किल वक्त में सहारा देगा? जानिए इस कहानी में आगे क्या होगा, सिर्फ स्टार प्लस पर।